हेलो, क्या हाल चाल है सबके। भाई आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल्स के फनी सुपर हीरो के बारे में। दुनिया में आज तक ऐसा कोई सुपर हीरो बना ही नहीं जो टीवी सीरियल वाले अपने सीरियल में दिखा ना पाए, और ऊपर से अपने टीवी सीरियल्स में नए नए सुपर हीरो के इन्वेंशन कर लेते हैं और असली वाले सुपर हीरो को टेंशन कर देते हैं। ये भगवान क्या जुलुम है। इनको देख के वो भी सोचते हैं कि अब तो अपना कैरियर खतरे में है, मतलब खत्म ही समझो। तो चलो भाई, बिना आपका टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं इंडियन टीवी सीरियल्स के फनी सुपर हीरो। मिलिए इन दीदी से, इनके कुछ काम मैच करते हैं फ्लैश से तो कुछ काम करते हैं नागिन सुपर नागिन से। अच्छा, किसी को बचाने के लिए ये फ्लैश के जैसे भागती हैं, किसी चोर को पकड़ने के लिए फ्लैश के जैसे भागती हैं। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, चल पास वापस दे। ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपना किराया बचाने के लिए भी ये फ्लैश के जैसे भागती हैं। भाग, 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 मिल्खा। लेकिन आप बोलेंगे ये बस भागती हैं कि कुछ करती भी हैं। अरे करती हैं ना, जैसे कि ये दीदी अपने हाथों से आग फेंक सकती हैं। वेरी डेंजरस। और जैसे स्पाइडरमैन अपने हाथों से जाला फेंक सकता है, वैसे ही ये दीदी अपने हाथ से छोटे बड़े नाग फेंक सकती हैं। और एक कॉमन पावर जो कि लगभग हर एक सुपर हीरो के पास होती है, वो है उड़ना। वैसे ही इन दीदी के पास भी है उड़ने की पावर। हम कब से देख रहे हैं कि ये अब मारेंगे, अब मारेंगे, अब मारेंगे, लेकिन ये लोग तो बस उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। भाई सच कह रहा हूँ, अगर तुम इतनी स्लो स्पीड में लड़ोगे ना तो इस लड़ाई को पूरा होने में एक महीने लग जाएगा, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो इनको छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है समरिया, अब मैं आपको मिलवाता हूँ कैट वुमन से। आँखों से वार करती हूँ और शेर के खानदान से हूँ। अच्छा, ये टीवी सीरियल वाले कैसे कैसे कैरेक्टर बना रहे हैं, इनको तो खुद ही नहीं पता कि बिल्ली कैसी होती है और तेंदुआ कैसा होता है। कहने को तो ये बिल्ली स्त्री हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम तो इनकी तेंदुए जैसे लग रही है। भाई इनका नाम बिल्ली स्त्री नहीं, तेंदुआ स्त्री होना चाहिए। पर ये कैट वुमन कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन है, और इसकी दुश्मनी है अपने स्नेक वुमन यानी कि नाग कन्या से। यह कैट वुमन भी कोई नॉर्मल कैट वुमन नहीं बल्कि इच्छाधारी कैट वुमन है। ये जब चाहे बिल्ली बन जाती हैं और जब चाहे इंसान। लेकिन जैसे कि इनके कॉस्ट्यूम से पता चली गया होगा कि इनको खुद ही नहीं पता कि ये बिल्ली है कि तेंदुआ, वैसे ही इनका जो एनिमल वर्जन है इसको देख के कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये बिल्ली है, तेंदुआ है, चीता है कि शेर। पर इतनी सुपर पावर्स होने के बावजूद भी इन दीदी को लड़ना नहीं आता। मजा नहीं आ रहा है, बताओ ये कैसे लड़ रही हैं? इनसे अच्छा तो गली की आंटे लड़ लेती हैं। मजा आया। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। मिलिए इन दीदी से, इन दीदी के पास है जादू की बहुत बड़ी सुपर पावर। सिंपल भाषा में हम इन दीदी को वांडा के जैसे ही एक खतरनाक जादूगरनी कह सकते हैं, और इनकी पावर है खुद के क्लोन बनाना। ये दीदी बड़े आराम से अपने जितने चाहे उतने क्लोन बना सकती हैं। जैसे चिट्टी ने अपने जैसे बहुत सारे रोबोट्स बना लिए थे, वैसे ही इन दीदी ने पता नहीं कौन से मंत्र पढ़े और इनके जैसे बहुत सारे क्लोन बन गए। इतने सारे क्लोन बना के तुम करना क्या चाहती हो? किसी जगह पे कब्जा करने जा रही हो, लड़ने जा रही हो, या फिर किसी बैंक में डाका डालने जा रही हो? इतने सारे क्लोन क्यों? दीदी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसा मत करो। वैसे ही पॉपुलेशन के मामले में इंडिया दुनिया के नंबर वन पे आ गए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इन दीदी के जैसे ही एक और बंदा है जो कि अपने जितने चाहे उतने क्लोन बना सकता है, और इस बंदे का नाम है मर्करी मैन। क्या बोला? अरे वही मर्करी जो कि थर्मामीटर में होती है, जिसको हम हिंदी में पारा कहते हैं। भाई ये चमकीला सा बंदा कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट का करिश्मा है। तो हुआ ये था कि एक साइंटिस्ट ने इस बंदे का खून एक माइक जैसी दिखने वाली चीज में डाला, और तुरंत ही ये बंदा धरती में से निकल के आ गया।
देख रहे हो टीवी सेल वालों को, ना तो इन्होंने पूरी डिटेलिंग दिखाई और ना ही मर्क्यूरी मैन बनने के लिए जो जो सामग्री लगी उसे दिखाया, बस इन्होंने बना दिया और ऑडियंस को कह दिया जो समझना है समझ लो, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई स्टोरी नहीं है और ना ही हमारा दिमाग चल पा रहा है कि हम इस बंदे के पीछे कौन सी स्टोरी बनाएं। बहुत तेज हो रहा है। बाय द वे ये मर्क्यूरी मैन बनाया गया था सुपर कॉप से लड़ाने के लिए, लेकिन अगर किसी सुपर हीरो, किसी एलियन, किसी सुपर पावर्स वाले इंसान ने सुपर कॉप्स की दुनिया में जन्म ले लिया तो उसको मरना तो सिर्फ सुपर कॉप्स के हाथों से ही है। बात तो सही है। इस अकेले सुपर कॉप के इन पांच मर्क्यूरी मैन से फाइट चल रही होती है, लेकिन ये उनको हरा नहीं पाता क्योंकि ये है अकेला और वो है पांच। तो ऐसे में एक दूसरा सुपर कॉप आता है ट्रक लेके, और वो आते ही ट्रक के कंटेनर का दरवाजा खोल देता है। जो बंदा पहले इन पांच चमकीले चूजों से मार खा रहा होता है उसके अंदर पता नहीं अचानक से कौन सी पावर आती है कि वो इन पांच चमकीले चूजों को अकेला ही धक्के मारते हुए इस ट्रक के अंदर ले आता है, और उसके बाद जो दूसरा सुपर कॉप होता है वो अपने साथी को बाहर निकाले बिना ही दरवाजे बंद कर देता है। क्या फिर पूरे 5 मिनट के बाद ये दरवाजे खोलता है और अपने साथी को बाहर निकालता है, और इसी सीन में ये भी दिखाया जाता है वो जो 5 चमकीले चूजे हैं वो जम चुके हैं। लेकिन कैसे? ड्राई आइस। तो इनका कहना है कि ये लोग ट्रक में लेके आए थे ड्राई आइस। हाँ वो तो दिख ही रहा है कहाँ पर ड्राई आइस है, सारा थर्माकोल चिपकाया हुआ साफ दिख रहा है। बहुत तेज हो रहा है। जब दूसरा सुपर कॉप इन भाई साहब से पूछता है कि ये 5 चमकीले चूजे तो जम गए लेकिन आप कैसे बच गए, तो इन भाई साहब का कहना होता है कि ये 5 चमकीले चूजे थे मर्करी, और मर्करी ड्राई आइस के कॉन्टेक्ट में आते ही जम जाती है, लेकिन मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैंने अदरक वाला तेल पिया हुआ था। ड्राई आइस का असर आप पे क्यों नहीं हुआ सर? जिंजर ऑयल। और इतनी सारी ड्राई आइस के बीच बैठ के इन्होंने किया मेडिटेशन और योगा, क्योंकि जो भी होगा योगा से होगा। और योगा और मेडिटेशन से किसी तरह से अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया। मतलब इन टीवी सीरियल वालों का ये कहना है कि हम जो भी बनाए जैसा भी बनाए तुम एक्सेप्ट करो, फैक्ट चेक मत करो, क्योंकि अगर तुम फैक्ट चेक करने पे आ गए तो तुमको पता चल जाएगा कि जो मर्करी होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होती है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। भाई आप सब लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी वाला डॉक्टर ऑक्टोपस तो देखा ही होगा, जिसको मारने के लिए स्पाइडरमैन ने क्या कुछ नहीं किया, पर एक बारी हमारे और आपके फेवरेट टीवी सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन में डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं आ जाती है और सुपर कॉप्स की दुनिया में आके तबाही मचाना शुरू कर देती है। भाई डॉक्टर ऑक्टोपस के जो ये केकड़े वाले मशीनी हाथ थे वो तो इन लोगों ने खुद बनाए थे, लेकिन इन दीदी के जो केकड़े वाले हाथ हैं वो इनबिल्ट हैं, इनके अंदर से निकलते हैं। पर एज यू नो सुपर कॉप्स के सामने सारे विलन फेल हैं। पहले तो ये लोग इस ऑक्टोपस नी पे एक सस्ता सा जाल फेंकते हैं जिसमें ये उलझ भी जाती है, फिर इन लोगों ने एक सस्ती सी गोली चलाई और ये ऑक्टोपस नी चक्कर खा के नीचे गिर गई। बताओ इन लोगों ने इतने खूंखार विलन को इतनी आसानी से हरा दिया। इनके ऐसे कारनामे देखने के बाद असली स्पाइडरमैन भी सोच रहा होगा कि मैंने इतना टाइम, इतनी मेहनत, इतनी प्रॉपर्टी वेस्ट की तब जाके कहीं मैंने इसको मारा, लेकिन अगर मैं इंडिया के सुपर कॉप से हेल्प मांग लेता ना तो मुझे इतनी मेहनत करनी न पड़ती। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।